पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर पहुंची एटीएस की हिरासत में, जासूस होने के लग रहे थे आरोप। अब जांच में कौन कौन से खुलेंगे राज? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आना, 2 महीने से दिल्ली में रहना और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम जासूसी एजेंसियां, इन्हें इसकी भनक तक नहीं लगना। मगर दूसरी तरफ इस घटना को एक बहुत बड़े विजय के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रचारित कर कई ऐसे समूह, कई ऐसे संगठन, कई ऐसे व्यक्ति इसे एक फतेह या इसको एक जीत बता रहे थे कि एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी हिंदू लड़के ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत से पबजी खेलते हुए प्यार किया और फिर उसको भारत लाकर उससे शादी भी कर ली। एक तरह से ये एक बहुत बड़ी जीत की तौर पर इसे प्रचारित किया जा रहा था, मीडिया ने भी इसे काफी सर पर उठा रखा था। किस तरीके से मीडिया ने अब माहौल बना रखा था उसका एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब यही पाकिस्तानी सीमा हैदर जो अपने पति को छोड़कर आई, जो अपने बच्चों को अपने साथ साथ धर्म परिवर्तन कराने का दावा कर रही है, हिंदू बनने का दावा कर रही है, जो बताती है कि उसे, उसने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, उसे कोई सुरा नहीं आती, उसे कोई कलमा नहीं आता, मगर उसका दावा है कि वो मुसलमान है। बहरहाल केस भी बना, कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने जमानत पर सीमा और सचिन को रिहा किया शर्तों के साथ कि रूबूपुरा छोड़कर कहीं जाना नहीं है। अब ऐसे में ही सीमा पर नई गाज गिरी है क्योंकि सीमा द्वारा जो भी कागजात दिए गए हैं ये सब भारतीय हाई कमीशन में भेजे गए। भारतीय हाई कमीशन ने इसके जरिए जो जांच की है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीमा का एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में सैनिक है, वहीं सीमा का चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है। तो जो आरोप लग रहे थे सीमा हैदर पर कि ये, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, 2 महीने से यह महिला पाकिस्तान की सीमा लांग करके भारत में घुस आई है, हिंदुस्तान में चली आई है, यहां रह रही है, उसको बहु बहु बोलकर जो सर पर बिठा रहे, कल कहीं पछतावे की घड़ी ना आ जाए। तो अब इस दिशा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कदम उठा लिया है, सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है और एक गुप्त जगह ले जाकर के सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। उसके तमाम मोबाइल नंबर, सफर के दौरान उसने जो मोबाइल नंबर यूज किए, भारत में आने के बाद जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए, वो तमाम मोबाइल नंबर, उनके सभी व्हाट्सएप की चैट, इनका तमाम लेखा जोखा जो है अब एटीएस खंगालेगी। एटीएस के साथ साथ देश की सुरक्षा संभालने वाली तमाम एजेंसियां, यानी आईबी, रॉ भी, इसमें जो उच्चतम एजेंसियां है ये भी एजेंसियां इसमें शामिल हो जाएगी। हर तरह से, हर एंगल से सीमा हैदर से पूछताछ की जाएगी। अब इस पूछताछ में, इस पूरी जांच प्रक्रिया में कौन कौन से राज खुलेंगे ये तो जांच की जानकारी सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी में पेच है, कहीं ना कहीं झोल है। जिस तरह से सीमा दावे कर रही है, एक तो मुसलमान भी बता रही है और एक भी इस्लामिक तौर तरीका या धार्मिक पद्धति उसे अवगत नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। देखते हैं यूपी एटीएस क्या करती है। देश की देर से जागने वाली, सुरक्षा की जिम्मा संभालने वाली एजेंसियां किस तरह से इस मामले में जो रहस्य बना हुआ है, जो राजदारी बनी हुई है, उसका कैसे पर्दाफाश करती है। ये छत गिर जाएगी, अब कब नहीं होगा कोई लाइन। भाई नंबर वालों, भैया सुनो, किसी का नहीं होगा, छत गिर जाएगी। अब नहीं नहीं, अब नहीं होगा, सस्ते नहीं होगा, तो मुझे हो जाएंगे, सबके सच्ची है। जाने दो,
अंदर चलो सब लोग मीडिया और बाहर मत आ जाना एक बार बताऊं लोकल लोग तुम्हारे वीडियो बना रहे हैं और जब ये वायरल जाएगा तब देखना कितने वीडियो बनाने वाले ए सीमा में यार तू क्यों बार बार वहां आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं आप नियम के हिसाब से कर सकते हैं हमें पता नहीं था साहब आपको सबसे ज्यादा पता होता है आपको इस बात का नहीं पता था दूसरा माइक हाउस तो करा रहा हूँ माइक इसके पास दूसरा वाला धारा 144 है क्या अभी आपको नहीं पता नहीं हमें नहीं मालूम बता दो भाई तभी नहीं पता है ना तभी तो पूछ रहे हैं और क्या है आपको सब कुछ आप सोच रहे हैं कि ये बेवकूफ हैं पुलिस वाले इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई साहब अगर धारा 144 है तब तो ड्रोन नहीं उतरना उड़ना चाहिए ये बात तो सही है सबसे पहले आपकी न्यूज पे धारा 144 क्यों लागू है चुनाव है क्या अच्छा हो कांवड़ यात्रा हमारे कैमरे वाला कोई बात है हम भी बना रहे हैं वीडियो ऑप्शन की ये क्या कर रहे हो आप अब उनका करेंगे उनका तो यार पकड़ेगा बैग चलता तो क्या करूं पैसा और ही चला आप हमारे हम ऊपर से चढ़ेंगे नहीं बड़ा भैया आए सही है आप सही है हाँ देखो हमने सीमा जी से लाइनअप भी किया हम लोगों ने किया हम लोगों ने पहले से ही लाइनअप
मेरी बात तो कराओ ना, मेरी बात तो कराओ, मेरी बात तो कराओ, एक बार बात करो मेरी। समझ गया। हेलो, मैं लेके आता। उड़ाना है जी, हम हमें परमिशन नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ये चाहिए क्योंकि हमें 6 बजे रन करना है। तो आप उनको बोलो कि वो यहाँ से वो पुलिस वाले वो ड्रोन लेकर जाने और वो शो रोक रहे हैं, तो वो सर्व कर रहे हैं। वो बोलो शो हमारे क्या नाम है, क्या पहचाने? पिंटू पंडित जी। अच्छा अच्छा, राशन वाले। मैं भी मीडिया में हूँ ना। अच्छा हाँ, टीवी 9 पर नहीं ना, मैं भारत 24 से हूँ। अच्छा अच्छा।